कुछ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन विद इन जो अनअपलिफ्ट कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए काम करना चाहिए। और आरक्षण पर कोटा लागू करने की बात हुई है, इसको क्या कहें, क्योंकि ऐसे लोग जो प्रभुत्व हो चुके हैं, उपवर्गीकरण की बात हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 550 पेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जब तक कि इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जाए, इसके लीगल एस्पेक्ट को समझा नहीं जाए, तब तक इस पर कोई कमेंट करना उचित होगा? बिना जाने बिना समझे अखबार के न्यूज़ पर, सोशल मीडिया के न्यूज़ पर, पार्टी तो तभी रिएक्ट करेगी ना जब ये पूरी तरह से इस क्या बोलते हैं, इसका जो जजमेंट है, इस पर जो ऑब्जर्वेशन हैं, उसको ठीक से समझे, उसके बाद इस पर रिएक्ट करे। ये 550 पेज का जजमेंट कल आया है, 550 पेज का जजमेंट को सिस्टम को समझने के लिए तो कम से कम इसके लिए जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे पार्टी में सोशल जस्टिस का काम देखते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं देश में, उनके राय जानने के बाद ही ना हम लोग इस पर पढ़ने के बाद ही ना कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन विद इन जो अनअपलिफ्ट कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए सरकार जो है रैशनल होकर के, साइंटिफिक होकर, डेटा बेस्ड सब कास्ट बना सकती है। तो ये काम तो हमारे नेता नीतीश कुमार 10 बरस पूर्व कर चुके हैं, यहाँ पर महादलित बना करके जो लोग शेड्यूल कास्ट में भी जो पीछे छूटे हुए थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके लिए विशेष योजना का निर्माण करना, उनके लिए अपलिफ्ट करने के लिए महादलित आयोग का निर्माण करना, ये सब काम तो माननीय नेता 10 साल पहले कर चुके थे। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो 10 साल पहले हमारे नेता बिहार में कर चुके हैं, इसीलिए उस पर तो हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी करना नहीं है। उस जजमेंट के हम लोग पक्षधर हैं और उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो क्रीमी लेयर तो जो रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट जो हैं, जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया था, उनको तो अनटचेबिलिटी के लिए दिया गया था, वो कभी भी वो क्राइटेरिया सोशल या इकोनॉमिकल नहीं था। जो कास्ट अनटचेबल थे उनको दिया गया था, और उस समय 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया था, ये 10 साल के लिए ये प्रोविजन रहेगा, वो बढ़ता गया 10 साल 10 साल 10 साल। अब ये तो सरकार को निर्णय करना है, पार्लियामेंट को निर्णय करना है, लेकिन इस पर फाइनल वर्डिक्ट हम सब लोगों का तभी आएगा जब पूरी तरह से हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। और आप जब किसी घर की चर्चा करते हैं, तो यू कैनॉट टॉक अबाउट वन रूम, यू हैव टू टॉक अबाउट द होल होलिस्टिक हाउस। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम एक घर की चर्चा कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर आप चर्चा कर रहे हैं और बाकी चीज़ों पर चर्चा नहीं करिए, तो बाकी जगहों पर जो हो रहा है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। वाई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 75 साल की आज़ादी, 77 साल की आज़ादी के बाद सिर्फ 7 ही सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज क्यों बनाए गए और एक ही शेड्यूल ट्राइब बना, इस पर भी बहस होनी चाहिए। क्या शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं इस देश में, जो जजेस बनते हैं, वकील बनते हैं, उनमें काबिलियत की कमी है, क्या कारण है, उस सब पर भी बहस होगा। तो बहस तो बहुत बड़ा ना है ये, तो इसलिए जब तक कि पूरी तरह से इसको होलिस्टिक, इस जजमेंट को देख नहीं लिया जाए। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रीमी लेयर पे कोई बहस ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्रीमी लेयर पे ना पक्ष में ना विपक्ष में कोई बहस नहीं हुआ, लेकिन ऑब्जर्वेशन और जजमेंट आया है, तो कितना है? वो ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, दैट हैज टू बी सीन, उस पूरा समझना पड़ेगा और लीगल एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करने के बाद पार्टी आप लोगों से बात करेगी।